ग्यारह को बहुत टाइम। प्रेम आपका कितना बार है? एक्यूरेसी कितना था? तुक्का ना मारे ज्यादा, तुक्का ज्यादा ना मारे हैं, तब सही है। कट ऑफ कम ही जाएगा, समझे? इतना याद रखिए। चलिए बनाइए इसको, क्या लिखा हुआ? देखिए, सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, ठीक है? एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज है, देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है? और ये कितना डिग्री है आपका? 45, और ये आपका 45, ठीक है? बोला क्या है, देखिए आगे, जहां B पर समकोण है, तो सर ये B है, अब A धर लीजिए यहां पर और C धर लीजिए यहां पर, ये सही है यहां तक? अब क्या बोला है, बिंदु D त्रिभुज ABC के अंदर है, कहां पर है ये तो नहीं बोला, ठीक है? ध्यान से, अभी दिमाग थोड़ा भटकेगा आप लोग, अभी घूम फिर के आए हैं ना, पूरा कंसंट्रेट होने में थोड़ा दिक्कत लगेगा, ठीक है? हाँ, इसीलिए कृपया करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और मन थोड़ा भटकेगा, है ना, थोड़ा अलग भी लगेगा, खुशी भी होगा, ठीक है जेवियर? तो याद देखिए सब लोग, जो भी वीडियो पढ़ाया जाएगा एकदम सही से एडिट करके अच्छा से कंटेंट वीडियो यूट्यूब में डाल दिया जाएगा, है ना? अब और भी अच्छा से एडिट करेंगे और अच्छा डालेंगे। लाइट सही आ रहा है ना? ठीक, ये बोर्ड सही लग रहा है पीछे? नहीं नहीं ठीक है, बोर्डवे तक लेना है हमको, लेना है, ठीक है? याद है कि अब बिंदु डी त्रिभुज एबीसी के अंदर स्थित है, पी और क्यू क्रमशः बिंदु डी से एबी और एसी पर डाले गए लंब का पाद, कौन कौन वर्ड लिख देता है यार, पाद बिंदु है, मतलब परपेंडिकुलर है। देखिए बोला गया है, देखिए बिंदु डी ए बी सी के अंदर है, ठीक, पी और क्यू क्रमशः बिंदु डी से भुजा ए बी और ए सी पर डाले गए लंब है, एक यहां पर लंब डाला गया है और एक यहां पर लंब डाला गया है, ठीक है? मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर, ठीक। अब क्या बोला गया, यदि एपी ए है, एपी कहाँ गया आपका? ये है एबी पर डाला गया है ये पी, और ये डाला गया है आपका क्यू। एपी क्या है आपका? ए। और क्या बोला है? ए क्यू। ए क्यू क्या बोला गया है? बी। ए क्यू बोला गया है बी, और बोला गया है बी ए डी आपका 15 डिग्री है। बी ए डी आपका कितना डिग्री है? 15 डिग्री है। मतलब अगर यहां से आपका एक लाइन खींचा गया है, ठीक है, तो ये कितना डिग्री है आपका? 15 डिग्री, ठीक है? और देखिए यहां पर अगर 45 डिग्री का बोल रहा है, ठीक है, अगर ये 45 है, ये भी 45 है, ये 15 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा आपका? ये 30 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक। अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा ये वाला, ठीक है? तो ये 30, ये 60, ये 90, पूछा क्या गया है बताइए, साइन 75 क्या होगा, ठीक है? सर ये 15 है, तो ये कितना डिग्री होगा? ये 75 डिग्री होगा, ठीक है? अब इसमें फॉर्मूला लगाइए, वही साइन रूल वाला। साइन रूल वाला कौन सा लगेगा यहां पर? यहां बोला है साइन 75, और वापस यहां तक सब देख लीजिए, दोबारा किसी को दिक्कत हुआ क्या? इसमें पूछा गया है सीजीएल मेंस में, इसीलिए इजी क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है? इजी क्वेश्चन है नहीं, इसीलिए इसको देख लीजिए एक बार, अभी तक जो किए सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसको रिवाइंड कर लीजिए माइंड से एक बार अच्छा से। किसी को प्रॉब्लम? कितना डिग्री था? कौन है? ठीक है, आगे क्या करना है यहां देखिए, बोला गया है साइन 75 निकालने के लिए। अब समझिए साइन 75 कैसे निकलेगा आपका, इसको देखिए,
इस पर फोकस कीजिए तो एक बार देखिए, यहां पर है आपका ए, यहां पर है आपका पी, यहां पर है आपका डी। फोकस कीजिए इस पर, ए पी और डी के ऊपर, ठीक है, ए पी और डी के ऊपर फोकस कीजिए। सर अगर ये आपका 15 डिग्री है, ये कितना डिग्री का बोला गया है? 15 डिग्री का। और ये कितना डिग्री है आपका? 75 डिग्री। आइए अब, ठीक है, अब देखिए साइन 75 क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, किसी को याद है साइन थीटा क्या होता है? हाँ देखिए सर, साइन थीटा होता है आपका पी बाय एच, ठीक है, साइन थीटा होता है आपका कितना? पी बाय एच। तो सर इसके लिए आपका पी कौन है? 75। देखिए साइन 75 पूछा गया है, ठीक है, तो इसके लिए आपका पी कौन है? देखिए तो इसके सामने आपका पी ये है, ठीक है, और हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम होता है, ठीक है, मतलब कि हमको ये एपी निकालना है और क्या निकालना है? एडी निकालना है। ये समझ में आ रहा है? हमको एपी निकालना है और एडी निकालना है। सर एपी तो दिया हुआ है ना ए, तो एपी क्या हो जाएगा आपका? एपी हो जाएगा, यहां पर देखिए साइन 75, यहां पर लिखिएगा सर साइन 75 डिग्री, सर साइन 75 हो जाएगा आपका पी बाय एच, सर साइन 75 हो जाएगा आपका पी बाय एच। देखिए अभी यहां पर पी मेरा क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ है ए, और यहां पर खाली क्या निकालना है हमको? एडी। क्या निकालना है? एडी, ठीक है सर, एडी निकालना है। अब एडी कैसे निकलेगा हमको सो बताइए। यहां देखिए इसको ध्यान दीजिए, ए डी क्यू, ए डी और क्यू। सर ए डी क्यू को अगर ध्यान दिया जाए तो ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये 30-60 और ये 90 है ना, 30-60-90। सर 30-60-90 है तो 30-60-90 का रेशियो याद है? 30 के सामने किस अनुपात में? सर 30 के सामने आपका 1 के अनुपात में, ठीक है, 60 के सामने आपका रूट 3 के अनुपात में, ठीक है, और इसके सामने आपका 2 के अनुपात में। ये समझ में आ रहा है? ठीक है सर, ये आपका 2 के अनुपात में हो गया, ठीक है। अब देखिए मतलब रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है ना, मतलब क्या दिया हुआ है आपका? रूट 3 यूनिट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? बी, ये दिया हुआ है ना। आपको निकालना क्या है? 2 यूनिट निकालना है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? बी बाय रूट 3। हमको निकालना क्या है? 2 यूनिट, तो क्या हो जाएगा? इंटू 2। फाइनली क्या हो जाएगा मेरा? 2b बाय रूट 3, ठीक है। तो फाइनली मेरा AD क्या आ गया? AD क्या आ गया मेरा? AD आ गया मेरा 2b बाय रूट 3। सर मैं ये बोला, ठीक है। तो सर A तो मैं यहां पर क्या निकल गया? AP तो मेरा निकल गया A, और AD क्या निकल गया मेरा? 2b बाय रूट 3। आइए अब 2b बाय रूट 3, तो रूट 3 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, और क्या हो जाएगा? ये रूट 3a बाय 2b। फाइनली मेरा ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? बुझाया सबको? कहीं पर दिक्कत वापस से रिवाइंड करके देख लीजिए, कहीं पर भी किसी को प्रॉब्लम हुआ क्या? हल्का सा भी? जेबियर्स दीपक कितना मारे? अच्छा कोई बात नहीं, इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। टाइम इज कट ऑफ कम जाएगा, इतना पता है हमको, समझे, कट ऑफ कम जाएगा। अभी से आप लोगों को बता दे रहे हैं, पहले भी अभी से बता दे रहे हैं, सुनिए सुनिए सभी लोग, ठीक है। उतारिएगा क्या कि पीडीएफ बना करके भेज देंगे, ठीक है, है ना। आप लोग को एक ही बात है, सुनिए, अभी भी चांस, समझिए मेरा बात को, मानो एग्जाम कब है?
27 को बदल आपका लास्ट रोहित के साथ। हाँ तो रोहित के साथ है मेरा बुजुर्ग आदमी रोहित। ना मजाक कर रहे हो आप लोग। अभी बताते हैं, अभी भी एक काम कीजिए, सुनिए समझिए मेरा बात को, समझे देखिए। अभी भी आप लोग क्या कीजिए ना कि जो जो चीज हम बोले हैं उसको करना चालू कर दीजिए। 10 जगह दौड़ने से फायदा नहीं है, ठीक है। अभी भी उठा लीजिए अरुण सर और खान सर को, रेलवे का आने वाला है, आखिरी समय बचा हुआ है रेलवे का, मतलब अगला फिर 4 साल तक सब हाथ मलते रह जाइएगा, अगला 4 साल तक हाथ मलते रह जाइएगा, है ना। 1 लाख तक वैकेंसी देगा और भर भर के उठाएगा सबको। टेक्नीशियन का कुछ रहेगा, नॉन टेक्निकल का कुछ रहेगा, आप लोग नॉन टेक्निकल है कोई दिक्कत नहीं, सबको उठाया जाएगा, समझे। हाँ समझे, तो नॉन टेक्निकल को आप लोग उठाइएगा, समझे। तो आप लोग यही काम कीजिएगा जो बोला जा रहा है। 10 जगह भागने से कोई फायदा नहीं है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उतार रहे हैं क्या? अच्छा उतार लीजिए। कैसा है देखने में? क्या लिख रहे हैं? थोड़ा बड़ा फैसिलिटी का फायदा उठा लीजिए, देख देख घर में दोबारा लिख लीजिएगा। मिथिलेश का है न्यूज, क्या कर रहे हैं? सुतले रह गए थे क्या? प्रदीप सूरज कहाँ? घरे में। कॉलेज? कौन कॉलेज? क्लास चलता है क्या? सेमेस्टर 1। आइए चलिए अब नया चीज सिखाते हैं। चलिए यहां देखिए अब सब लोग नया चीज सिखाते हैं, ठीक है। आप लोग का आखिरी थ्योरम और न्यू थ्योरम, ठीक है। सब लोग लिख लीजिए न्यू पैटर्न कॉपी। में है लेकिन बड़ा अच्छा है चीज। मतलब कोई इंसान अगर दिखा के चाहे तो, है ना, फैसिलिटी पैसा लगता है लेकिन फैसिलिटी बड़ा अच्छा देता है इसमें।
चले यहाँ देखिए, समझिएगा ठीक, ये आपका नया चीज है और अभी जो फॉर्मूला बताएंगे उस सारा का सारा वो आप लोगों को याद करना है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का आखिरी फॉर्मूला है। अब इसके बाद आप लोग का स्टार्ट करेंगे सर्कल, ठीक, कल आप लोग का ये खत्म हो जाएगा है ना। आप लोग का चालू करेंगे सर्कल जो कि ज्योमेट्री का आखिरी होगा, ठीक है, स्क्वायर पैरेललोग्राम ये सब कुछ कुछ है वो आप लोग का आखिरी होगा। चलिए ध्यान से देखिए, समझिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आप लोग का जो कि दिया हुआ है ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो क्या है आपका ए बी सी। इसके सामने वाला साइड हो गया आपका ए, इसके सामने वाला साइड हो गया आपका बी, इसके सामने वाला साइड हो गया सी, और इसको मान लेते हैं सी डी, ठीक है, इसको मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एन, ठीक, और इसको मान लेते हैं स्मॉल पी, स्मॉल पी। तो सारा का सारा देख लीजिए क्या है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर सी डी परपेंडिकुलर है किसका आपका ए बी का, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी का, ठीक है सर, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी का, ए के सामने वाला स्मॉल है, ये साइड दिया हुआ है क्या बी सी, ए ए सी क्या दिया हुआ है बी, सर ए बी क्या दिया हुआ है सी, ए डी है एम, बी डी है एन, सी डी है आपका पी, और सर ये परपेंडिकुलर है ना कि आपका मीडियन है, ठीक है। चलिए तो पहला फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, पहला फॉर्मूला होता है आपका स्मॉल पी इज इक्वल टू, स्मॉल पी इज इक्वल टू ए इंटू बी बाय सी, ए इंटू बी बाय सी, ये रहा आपका पहला फॉर्मूला। अगर ये जानने का आप लोगों का पूरा अधिकार है कि ये आया कैसे, ठीक है, लेकिन यूज ना के बराबर है, ठीक है, सारा का सारा जो हम लिखेंगे वो आएगा आपका सिमिलैरिटी से, ठीक है। खाली ध्यान रखिए क्या है आपका ए इंटू बी बाय सी, क्या निकलेगा आपका पी, ये सही है। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला होगा आपका वन बाय पी स्क्वायर, वन बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर, इसी का यूज करके ये बना है, दो मतलब स्क्वायर कर देंगे फिर ये बन जाएगा आपका, एक दो को बता देंगे कि कैसे बना है कैसे नहीं बना है, ठीक है, ये दो देख रहे हैं देख सब लोग। चलिए तीसरा फॉर्मूला, अगर बताइएगा ना बहुत फॉर्मूला है, लेकिन ये खाली आपका परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है सर। तीसरा फॉर्मूला क्या है आपका समझिए, तीसरा फॉर्मूला है पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एन, सर पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एन, ठीक है, समझ में आया तीन को। चौथा फॉर्मूला, सर चौथा फॉर्मूला है आपका देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू सी। सर पांचवा फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू सी, ये है आपका पांच गो, अभी तक जितना भी क्वेश्चन अभी आगे आएगा ये है पांच गो आपका सार, राइट एंगल ट्रायंगल का प्री का फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट पैटर्न है ये सब, ठीक है सर। कैसे कैसे पूछा जाएगा वो समझिए, ठीक है, हम सारा ए टू जेड एक्सप्लेन करते हैं आप लोग को, ठीक है,
देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में सर निकालने सीख जाइएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में सपोज दैट देखिए ये दिया हुआ है आपका 6, ठीक है। अब बता रहे हैं, अच्छा इसको हटाइए, देखिए ये दिया हुआ है आपका 6, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका 8। सर सी कितना हो जाएगा, सी 10 हो जाएगा, ठीक है। सर सी अगर 10 हो जाएगा तो पी कैसे निकलेगा आप लोग का, पी निकलेगा ए, कितना हो जाएगा 8 × 6/10, तो आंसर क्या होगा आपका 4.8। ये सर डायरेक्ट इसका यूज करना है, समझे। सपोज दैट कि कभी सी आपका दिया हुआ ना रहे, ठीक है, क्या दिया हुआ ना रहे, सर सी आपका दिया हुआ ना रहे, सर सी आपका दिया हुआ नहीं रहेगा, ऐसा ट्रिपलेट दिया हुआ रहेगा तो उसमें किसका यूज करना पड़ेगा आपको, इसका, ठीक है। लेकिन सर जब आपका यहां समझिएगा, जब आपका ए और बी दिया हुआ रहेगा तो सी तो आप निकाल ही लीजिएगा ना, ये तो पता है, ठीक है। तो सर यहां पर आपका इसका प्रयोग करना है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ रहेगा, इसका प्रयोग कहां करना है, सपोज दैट कि ये नया एग्जांपल है, ठीक है, सपोज दैट कि ये आपका दिया हुआ रहेगा, देखिए ये दिया हुआ रहेगा आपका 72, सर ये दिया हुआ रहेगा आपका 72 और ये दिया हुआ रहेगा आपका 8, ये दिया हुआ रहेगा 72 और ये दिया हुआ रहेगा आपका 8, समझिए। तो इसमें प्रयोग करेंगे आप लोग, क्या देखिए m क्या दिया हुआ है आपका 72, सर m दिया हुआ है आपका 72, सर n क्या दिया हुआ है आपका 8, ठीक है। सर ये p का स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट होगा, ठीक है, तो अंडर रूट होगा तो 72 किससे बना है आपका, 72 बना है 36 × 72 और यहां पर क्या है 8, ये 8 जाएगा उधर, सही 8 × 2 = 16। तो सर अंडर रूट करेंगे तो 36 का क्या बाहर आएगा 6 और 16 का क्या बाहर आएगा 4, आंसर क्या होगा 24। समझ में आ रहा है कैसे कैसे यूज हो रहा है सो, ठीक है। और ये वाला यूज इसको देखिए, इसका ये दोनों फॉर्मूला भाई है, सर ये दोनों फॉर्मूला आपका भाई है, कैसे, जब इसका स्क्वायर ले रहे हैं, इसका स्क्वायर ले रहे हैं तो इसके बगल वाला m ले रहे हैं और ये पूरा ले रहे हैं, देखिए इसका जब स्क्वायर ले रहे हैं तो ये ले रहे हैं और ये क्या ले रहे हैं, पूरा इसको ले रहे हैं, है ना, और जब इसका स्क्वायर ले रहे हैं तब ये उठा रहे हैं और इसको पूरा ये उठा रहे हैं, समझ आ रहा है ये वाला, ठीक है। मदन कहीं दिक्कत, मदन नहीं ना, दिनू, चलिए समझिए। तो हो गया आपके ये 5-6 को फॉर्मूला आप लोगों के लिए याद रखना है, 1, 2, 3, 4, 5 बुझाया ना ये वाला अच्छा से, बस खाली नेक्स्ट ए को और बता देते हैं, फिर इसको अरे उतारिए उतारिए मत, भेज देंगे थोड़ी, यहाँ देखिए उतारिए क्या राखी, यहाँ देखिए सर कॉलेज ड्रेस पहन के आए, कॉलेज ले जाएगा, हाय रे तकलीफ साला, ये दुख का है नहीं खत्म होता है। आप लोग दूर हो गए ना, हमको अच्छा नहीं लग रहा पता है, सामने से थोड़ा सा अपना पड़ गया सर, यार खाली लगता है यार। इसका माइक वो देखिए कहाँ है, देखिए ब्लूटूथ हुआ यहाँ पर, देखिए हेलो,
इसमें यहाँ रख देना ऐसे टांग के। दिख तो रहा है सारा सही। कल से चालू करेंगे मार्केटिंग पूरा, टोटो पूरा ग्रेडियम घुमाएंगे, 8 से 10 दिन घुमाएंगे पूरा, आदमी लोग आ जाए। हो गया यहीं से भेज देंगे पीडीएफ में तुरंत, ठीक घर जाइएगा मिल जाएगा तुरंत, एक रैम खोल के एक रैम भेज देंगे। अगर टेक्निकल यस आई है भले कुरफात है लेकिन नॉलेज तो आई है। ऑनलाइन पे हमको तब अच्छा से आना था जी, अभी नया चैप्टर चालू करेंगे इसमें 10 बजे वाला में, अब इसमें ज्योमेट्री फिर उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस, अब सही है चलिए मिटावे। कितना नंबर क्वेश्चन 32 ना, हाँ ठीक क्या चीज मेहनत नहीं लगता है इसे पीपीटी बनाने में, बहुत मेहनत लगता है। हाथ म्यूट कैसे होता है आगे कर, ध्यान से हो गया ठीक। ये हमारा ग्रीडी का लाइन साला, 3 दिन से लाइन नहीं कटा था ना, ठीक है बड़ा हैप्पी लिए साला, 7-8 घंटे ठहर देगा इसने लगाते एक बार हैवी लगा लो, बरसात में कटेगा अच्छा खासा। चलिए बनाइए जल्दी ला आया आंसर बच्चा लोग, यहां ध्यान दे कृपया बोर्ड पे नहीं क्वेश्चन पर ध्यान दे, ठीक है कहीं किसी को चमक नहीं रहा है प्रदीप, आज कुहासा कर लेता ना आज, यह है आपका सीजीएल प्री का क्वेश्चन।
कितना आया? डी आया। ठीक, सब सीख रहे थे। आ गया? नहीं, यहां देखिए, यहां पर एडी आपका निकालना क्या है, देखिए समझिएगा। यहां सबसे पहले बोला क्या है, देखिए तो एक ट्राइंगल आईबीसी में आपका ए दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, मतलब कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए ये वाला 90 डिग्री ए हो जाएगा आपका, ए ए क्या हो जाएगा ए, इसका मतलब ये धर लीजिए, यहां धर लीजिए बी और यहां धर लीजिए आप सी, ठीक। फिर बोला क्या है, एम बी सी का मध्य बिंदु है। सर एम क्या है आपका? बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, मतलब यहां पर प्यारा सा आपका बना हुआ है एम। जैसे जैसे बोलते जा रहा है ना, वैसे वैसे करते जाइए, एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए, एक्सट्रीम चल जाइए, ठीक। देख एम बी सी का मध्य बिंदु है। फिर बोला गया डी बी सी पर एक ऐसा बिंदु है, मतलब कि यही बी सी पर एक डी भी बिंदु है, और वो कैसा है वो आगे पता चलेगा, ठीक है, प्यारा है, सुंदर है, कैसा आगे पता चलेगा। डी बी सी पर ऐसा बिंदु है कि एडी परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है, मतलब ये तरह से हम ऐसे मार रहा है 90 डिग्री पर। एडी परपेंडिकुलर क्या है आपका? बी सी, और मैं ये बोला, ठीक है, और ये क्या होगा आपका ए एम, ए एम है आपका मीडियन, क्या है आपका मीडियन, मीडियन मीडियन आगे दिया हुआ है। सर ये ए एम आपका मीडियन है, ये मीडियन सुनकर के कुछ समझ में आता है क्या चाहिए सो? क्या सर इसमें क्या क्या बराबर है? अच्छा मीडियन, राइट एंगल ट्राइंगल का मीडियन किसके बराबर होता है? हाइपोटेनियस के, किसके अजय, किसके, हाँ हाइपोटेनियस का आधा होता है ना मीडियन। मतलब क्या कि सर ये जो होगा वही ये होगा एम बी और वही होगा सी एम, याद है ना, ठीक है सर। क्यों क्यों? क्योंकि सर ये आपका हाइपोटेनियस हो जाता है, याद है ये वाला है ना, ये आउटर सर्कल हो जाता है। देखिए दिखाते हैं, इसमें अच्छा चीज दिया हुआ है, एक चीज फायदा अच्छा है आपका, देखिए क्या, देखिए ये आपका सेंटर हुआ है ना, तो यहां से यहां तक की दूरी को आर बोलेंगे, ये भी आर बोलेंगे, तो यहां से यहां तक का दूरी भी तो आर होगा ना, होगा ना, ठीक। और सर राइट एंगल ट्राइंगल में ये पूरा को क्या एच बोलते हैं ना, तो हाइपोटेनियस का आधा ही तो है ये सब, है ना, समझ में आया, क्लियर है। देखिए तो सर अब दिया हुआ है ए बी, दिया हुआ है आपका 7, एसी दिया हुआ है आपका क्या 24, तो याद है ये वाला 25, 7 24 25, ये सही है। आपको निकालने के लिए क्या बोला गया, आपको निकालने के लिए बोला गया है एडी इज टू ए एम, ठीक है, मतलब एडी, एडी इज टू क्या बोला गया है ए एम, सर एडी इज टू ए एम बोला है। एडी क्या होगा आपका? एडी होगा 25/2, एडी इज टू ए एम,
अच्छा ए एम इधर लिखे है ना, ठीक। ये क्या होगा आपका 25/2। अच्छा ये 25/2 देख करके क्या लगता है कि ए एम जो होगा सो 25 का मल्टीपल होगा ना। हाँ ए एम यहां देखिए, यहां पर इसको देखिए सर, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया। सर कैसे कट गया सो समझिए, यहां पर देखिए सर, ए एम में जो भी होगा, ए एम जो भी होगा वो 25 का मल्टीपल ही तो होगा, ये समझ में आ रहा है। ए एम में 25 तो है ना सर, तो जो भी होगा वो 25 का मल्टीपल, सही सही तो 25 तो है ही मल्टीपल यार, ए एम जो भी होगा वो 25 का मल्टीपल होगा। सर 25 का मल्टीपल करने के लिए क्या बताए थे लास्ट में, क्या होना चाहिए 25, 50, 75, 100, मतलब 2 गो 0, ये तीनों में है ना, मतलब कि ये तीनों आपका 25 का मल्टीपल है ना। इसका मतलब सर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका हट गया। अब ये तीनों में आपको केवल चेक करना है। अब सर आपको निकालना क्या है, एडी निकालना है ना, एडी, एडी क्या आपका परपेंडिकुलर है। अब ये वाला देखिए सर, इसके पहले वाला फॉर्मूला में देखिए, ये वाला सर, ये परपेंडिकुलर पी निकालने के लिए ये 6 × 8/10 ये किए थे ना, 6 × 8/10 सर इसमें भी करेंगे इस तरह से एडी निकालने के लिए। देखिए सर एडी निकालने कर सकते हैं 7 × 24/25, तो 7 × 24/25 ये समझ में आया, ठीक है इस टू में। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां तक घूर घूर के देखिए किसी को दिक्कत हुआ क्या, दीपक कहीं पर लग रहा है, कहीं पर हो, हाँ तो सी तो नीचे ही है, सी का मतलब नहीं नहीं सी को नीचे रखे थे, मतलब सी तो खाली हम नाम धरे थे समझे, वो तो हाइपोटेनियस था ना। ऐसे यहां पर देखिए इससे पहले वाला ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसके पहले देखिए उसमें, उसमें देखिए सी यहां था, बी यहां था, ये तो उधर नामकरण खाली किए थे हम है ना। इसका मतलब ये वाला देखिए, ये B × P/H मतलब यही हुआ ना, P × B/H P × B/H तो सर ये जाएगा अपनी, ये देखिए P है ना, ये P आपका 24, ये B क्या है आपका 7, H क्या है आपका 25 है ना, P × B/H तो सर ये 25 जाएगा। देखिए कोई चीज कटेगा क्या, कुछ भी कटेगा क्या सर, ये 25 जाएगा उधर, 25 × 25 क्या हो जाएगा 625 सर, 625 करके एक ही को देखिए ये बोला है ना, समझ में आया। बन गया था मुक्ति, समझ में आया, क्या बात है, बड़ा शांत दिख रहा है मेरा मुक्ति आजकल, बात नहीं हो रहा है क्या जीडी का यहाँ पे सब परेशान, तू बेचारा अलग परेशान नेक्स्ट करें, अगला करें क्या, कितना नंबर क्वेश्चन था ये ले, 32
चलिए अपनी तिरछी निगाह से इसको देखिए और बनाइए। त्रिभुज ए बी सी में बी ए सी दिया हुआ है 90 डिग्री, ए डी बी सी के लंबवत है, सारा दिया हुआ है। इसमें जानते हैं कौन सा लगेगा, ई वाला, ई वाला। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से। हाँ, बोला क्या गया है, एक त्रिभुज जिसमें ए दिया हुआ है 90 डिग्री, अब देखिए क्या बोला गया, बोला गया है बी ए सी आपका 90 डिग्री, मतलब इसको धर लीजिए आप लोग, क्या ए, देखिए ये ए, ये बी और ये सी, सबको यहां तक सही है। फिर क्या बोला गया, अगला देखिए, बोला गया है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, इसका मतलब ये एडी, एडी आपका परपेंडिकुलर है किसका, बीसी का, ये लाइन है, बोला गया। नेक्स्ट बोला गया है एडी दिया हुआ है 8.4, अच्छा दूसरा दिया हुआ है जी, एडी दिया हुआ है आपका 8.4, ठीक है। फिर दिया हुआ है बीडी दिया हुआ है 4.8, बीडी दिया हुआ है आपका 4.8, अच्छा अगला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला आएगा इला, ये दिया हुआ 4.8, आपको निकालने के लिए क्या बोला है, ये बीसी, ये वाला, ये बीसी निकालने के लिए बोला है। अच्छा ये वाला याद है ना, ये देखिए, हाँ ये वाला देखिए, ये वाला, ये वाला, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना अभी 8.4, और ये दिया हुआ है, और ये निकाल लेंगे तो, और इसको इसको ऐड कर देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, है ना। तो इस्तेमाल कीजिए, कितना आया, ए आ गया, सब बात आ गया, हाँ गोलू बोलू आया, बनाइए, ऊपर देख रहे हैं जी, खो गए क्या। हाजिर अब्दुल का रेडी में, आप लोग खाली एक काम कीजिएगा, इसमें 10 बजे वाला बैच में समझे, नया चैप्टर चालू करेंगे आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, अगर देखने का मन होगा तो यूट्यूब में देख लीजिएगा, पर डे अपलोड कर देंगे, ठीक है, उसको देख लिया कीजिएगा आप लोग, क्योंकि अभी यूट्यूब में अपडेट रहेंगे, सारा वीडियो डिलीट करेंगे हम, सारा का सारा वापस से हम अच्छा से डिलीट डालेंगे सब। चलिए करवाएं, थोड़ा ऑनलाइन पे आने ना, अच्छे से आए ना, इतना खर्चा क्या लिखी है, 3-3.5 लाख, क्या मरवा का अलग, कुल मिला करके 4 लाख। निकिता आया नया,
हाँ ऋतिक आया इला मदन आया अच्छा यार वो लेकर के आएंगे यार लद्दाख के बैठने में ठीक लगेगा रखे हैं लेकर के रख दिए वहां पर लंबा वाला चेयर नहीं होता है ऐसे जो यहाँ बैठ सके लंबा करके चेयर रहता है एक वो सिंगल स्टैंड हाइड्रोलिक वाला वो बैठने के लिए अच्छा राखे वो क्या बोल रहे थे पूरा हम लोग गाली दे रहे हो गए वो तो पूरा हम लोग गाली दे रहे हो गए ये आदत तो मन करता है कर लेगा बहुत लोग करता ले लगता है धरती पे इस तरह बहुत लोग करके बैठे हैं ऐसा कोई बात नहीं अरे भागल जा रहेगी हाँ थोड़ी रहते ऐसा कोई बात जब जानते हैं किस मकसद से फोन उठाना का है यार देखिए दुल्लू को हम भेजे हैं वहां पर दुल्लू उधर फेवर लिए दुल्लू निकाल देंगे वहां से बन गया अगला करे मदन नहीं आया क्या यहां देखिए सब लोग यहां देखिए देखिए देख कैसे बनेगा अरे यस कैसे उठा था पूरा रे एक करके ले जाना होता है यार पूरा पेज पे कैसे इस पे ये नहीं ये कुछ और है वही है हाँ ठीक है बोले देखिए यहाँ देखिए सब लोग ये वाला लगेगा सपोज ये पी और ये क्या है आपका एम तो ये क्या होगा आपका एन पी एम एन है ना तो मेरे बारे में पूरा चल रहा होगा भाई है ना तो मेरे बारे में पूरा पूरा एकदम मन मन में एकदम आप लोग हम लोग पूरा तोजा दे रहे होंगे कि मिलने दीजिए बताते हैं है ना बदनाम करने में तो इंसान कसर छोड़ता ठीक है पी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ आपका 8.4 का स्क्वायर ठीक है बोल दीजिएगा सूद के साथ देंगे ओह उतना प्यार मेरे से बात करने के लिए मरे जा रहे आपकी इरादा क्या है 4.8 इंटू एड प्यार तो एक बार चलिए ये हो गया ठीक है एक बार डोर घटा सीखिए कि यार ठीक है कितना 12 जाएगा तो ये पॉइंट हटेगा और ये पॉइंट हटेगा ठीक है लिखने में बड़ा मजा आ रहा है इसमें ठीक है ये कितना 12 सते और ये 12 चौक
48 और ये 4 × 8 ये पॉइंट और ये 1, ये कितना हो गया n इज इक्वल टू 147। ना करेंगे तो ये आ गया कितना, ये आ गया 147। बोला गया है बी और सी निकालने के लिए, जोड़ दीजिए इसको मानो तो क्या ये लोग मतलब ये सालू ठीक है, सालू सालू आते ना बोलते हैं सर फोन चुपके से हमको बोलेंगे ठीक करते फोन उठाते हैं सर, हाँ ऐसे नहीं बोलते हैं गुड ठीक है क्या उठाएंगे मानो ये फोन कर देंगे सालू ऐसे बोलेगी हाँ बोल चुकी है तो गजब है, बोल चुकी है हर सामने दबोच लीजिए हो गया ना, लीजिए बनाइए। बनाइए अभी कौन सा ट्रेलर दिखाएं, झूमे जो 25 को आ रहा है ना, झूमे जो पठान यूट्यूब में वो मूवी है कंटारा चिल्लाएगा बजाने चिल्लाता जो है ना शुरू शुरू में ये सर लेकिन है बहुत प्यारे अगर ऐसा ही फोन करते बोल दीजिएगा हम भी प्यार करते हैं उनसे तो पहले मैसेज कर देना चाहिए ना कि ऐसे ही फोन कर रहे हैं सर उठाइए क्या हुआ जेवियर मुक्ति पूछ रहे क्या, नहीं ना उनको ट्रेनिंग दीजिए अच्छा से, उनको अभी ट्रेन नहीं है, ट्रेनिंग दो लोग दे सकते हैं, सोनाराम तो चल गए कहाँ गए वो आ रहे हैं कल, दीनू ट्रेनिंग दीनू है वो दे सकते हैं मुक्ति को, वही ना ना विधायक नहीं कौन वाला ना वो ला रहा है कौन वाला शिल्पा गई है एग्जाम दे रहे ना, हाँ कल उनका एग्जाम अंजलि और शिल्पा गई है एग्जाम देने के लिए, मार के खून कर देंगे आपका। अरे सचिन सचिन आए क्या दीपक एग्जाम है आईडी, अच्छा दीपक ये टेक्स्ट बुक वाला आईडी पता है अभी आपको, मार रहे हैं क्या अभी, हाँ उन्हीं के पास है ना, ठीक ममता का एग्जाम है ना, बना गया बन गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए लायक को बना ही ला मनोज बना ये वाला
प्रदीप बनाएगा, दीपक बनाए जल्दी। झूमे जो पठान में जान हिल ही रुक जाए। राखी पठान में देखने जाइएगा ना। ओह खर्चा कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा। उनको लेके चलते हैं। चलिए सर पठान मूवी। सर बोलेगा दिखा दीजिए काट लीजिए। प्रेम आया ए आपका दिया गया है 90 डिग्री। ए दिया गया है 90 डिग्री। ठीक है चालू कब आ रहा है? वो ठीक है मतलबी दुनिया। ठीक है ए 90 डिग्री है और बिंदु डी एडी परपेंडिकुलर बीसी है। अगर ये ए है तो ये क्या हो गया? बी। और ये क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है सर एडी एडी है आपका क्या परपेंडिकुलर है किस पे? बीसी पर। यही है ना बुझाया? दिस इज बुझाएंगे। ठीक फिर क्या बोला गया? ए बी क्या है आपका? 12। कहाँ है ए बी? ए बी है आपका 12। ए सी क्या है आपका? ए सी है आपका 16। 3 × 12 4 × 16 5 × 20 तो ये क्या हो जाएगा आपका? 20। सही है ना? पूछा क्या गया है? बीडी की लंबाई है। अरे नाम खराब कीजिए जगह ये पूछा है तो हो गया। आ गया ओला फॉर्मूला। वो नीचे का नीचे नीचे ये लगेगा ना ये वाला ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। बुझाया? धरती में देखा देखा लग रहा है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है। मतलब 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी। बीडी को मान लीजिए एक्स इंटू क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा है ना। तो ये कितना रहे? 144 ना करना रहे। 12 इंटू 12 कर 144। ठीक है ये वाला सर दो का टेबल से वन का टेबल से काट ले पहले। चार से गया 5 बार में, 4 से गया ये 3 बार में गया ना। 12 × 36 और ये 5 जाएगा नीचे और ये x। ठीक है और ये कितना हो जाएगा? 7.2 दिख रहा है क्या? वेरी गुड दिख रहा है ना। तो यहां पर आंसर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7.2। ये को बड़ा अच्छा था ऐसे करते हैं दिल बन रहा था। नहीं इसमें था यार इसमें था बता रहे ना पेन में था। पेन में जाइए हाँ पेन में जाइए और पेन वाला कुछ चम्मच पीने वाला था। अरे हाँ इसमें था ना। हाँ 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 इसमें है ना। ये है ना ये आंसर है। इधर ये देखिए ना मसला है। इधर ये ना मसला है देखिए। ठीक
दीनू देखा क्या क्या बना रहे हैं सर। नहीं ये जस्ट पीछे हो गया, पीछे की है ना सब। हाँ सर मैम ये बोला नेक्स्ट बनाए कितना नंबर क्वेश्चन सर पहले दूसरा। अरे ठीक है यार दुदू हाथ लग रहा था, बैटरी खत्म हो गया क्या? देखिए ऐसे करे सीधा वहां जाकर रुकेगा, देखिएगा ठीक। मोड अच्छा है, रुकता रहे एक जगह। लीजिए बनाते रहिए। ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, कौन सा होगा? के नंबर होगा कलर चेंज कैसे होगा? दिल कलर काला होता है क्या? इसका दिल काला हो गया दीनू। ना ना हल्ला हो रहा है आपका हर्ष का। हाँ चलिए बनाइए। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ये ए है ये बी है और ये सी। जहां बी पर बोला गया है आपका कितना डिग्री है? 90 डिग्री बी पर, ठीक है। कोनो तकलीफ यहां तक? ए बी बोला गया है 6 है, ए बी क्या है आपका 6, बी सी क्या बोला गया है आपका? देखिए ये दिया गया है 6, ये दिया गया है आपका 8, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्या बोला गया है? बी डी इज लंबवत इन एसी, बी डी लंबवत है किस पर? एसी पर। ये मरत्तड़ से यहां पर, ठीक है। बोला गया है एडी इज टू डीसी निकालें, डी कहा गया? ये डी है, एडी कहा गया? एडी, हाँ एडी, एडी और डीसी, ये एक्स ये वाला निकालने बोला है ना, ये वाई, ठीक है। चलिए सिखा रहे एक नेक्स्ट फॉर्मूला, देखिए आप, चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वाला ये बात है, नया चीज सिखा रहे हैं, देखिएगा यहां पर।
देख इसका और इसका यूज करके एक नया चीज बनाएंगे, ठीक है? देखिए मजा नहीं आ रहा। अगर इसको और इसको डिवाइड कर दे, ठीक है, इसको और इसको डिवाइड कर दे, तो सर यहां क्या बनेगा आपका, यहां होगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सी और सी कट जाएगा, क्या हो जाएगा एम बाय एन होगा ना, एम बाय एन। ये नया चीज बना, सही है? इसमें करो तकलीफ नहीं ना, ठीक। देखिए यार, तो सर ये वाला है क्या, इसके पहले रिलेशन देखिएगा, ठीक है? देखिए ये b के सामने m, b के सामने m, a के सामने n, a के सामने n, तो इसी का यूज करके अगर ऐसे करें हम लोग, यहां देखिए हमको ये और ये इसका भी रेशियो निकालना है ना केवल हमको, ठीक है? तो सर इसका स्क्वायर बटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाय वाई होगा, ये होगा ना सर? इसके सामने यहां देखिए सर, इसके सामने एक्स और इसके सामने क्या है वाई, तो सर इसका स्क्वायर मतलब यहां देखिए सिक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो छोटा कर दे रहे, ठीक है? और तेरे के देखिए सर सिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स एक्स बटा एट का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और इसको यहां नीचे कर देते हैं, दिक्कत हुआ किसी को क्या? नहीं ना सर, ये रेशियो में हो रहा है, रियल में नहीं, रेशियो में हो रहा है। सर छह का स्क्वायर कितना, छत्तीस, ठीक है, छत्तीस, और ये कितना होगा सर? छत्तीस को देख करके क्या आता है पता, दिमाग में छत्तीस को देख करके दिमाग में ये आता है कि छत्तीस ना ही किसी का टेबल में सात बार में आता है, ना ही किसी का टेबल में आठ बार में आता है ना, हमेशा नौ बार में ही तो आता है ना? क्या छत्तीस किसी का भी टेबल में आठ बार में आता है क्या? नहीं ना, सात बार में भी नहीं आता, तो वो तो होगा ही। सर यहां पर क्या हो जाएगा, चौसठ, ठीक है, चौसठ, और ये कितना हो जाएगा एक्स बाय वाई। अब चार से काटेंगे तो ये कटेगा आपका नौ बार में, चार से काटेंगे तो ये कटेगा आपका सोलह बार में, आंसर क्या हो जाएगा 9:16। समझ में आया? हाँ प्रिया, गुड मॉर्निंग बच्चा, बोलिए। अच्छा ठीक है, ठीक, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, हाँ हाँ ठीक है बच्चा। देखिए ये देखें, समझ में आया ये वाला? ठीक, बुझाया? हाँ, इसमें पचास, ठीक है, कितना नंबर, छत्तीस, सर ये वाला क्वेश्चन आपका है सीजीएल मेंस का, आई जियो घूमता भी है ना ये, हाँ।
ये है आपका सीरियल मेंस का क्वेश्चन, ये आपको वो दिक्कत करेगा, सुनिएगा तो। देखें यहां पर ये थोड़ा मोड़ा आप लोगों को दिक्कत करेगा, इसमें सिखाना ही पड़ेगा हमें। चलिए बताएं, देखिए क्या लिखा हुआ है। ट्राइंगल एबीसी में सी दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, और सी डी भुजा एबी पर लंब है, मतलब ये आपका दिया हुआ है क्या 90 डिग्री, और ये कौन सा है आपका सी, और ये दिया हुआ है आपका ए, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, किसी का आया क्या? नहीं, ऑप्शन नहीं है ना, अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा आपका दिया हुआ है सी भुजा है? नहीं, देखिए सर सी डी भुजा ए बी पर लंब है, ये है सी डी भुजा ए बी पर क्या है आपका लंब है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला है सुनिए, यदि AD बाय BD, सर AD क्या दिया हुआ है, AD बाय BD, सर यहां देखिए इसका इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है ना AD बाय BD, ये क्या दिया हुआ है आपका रूट के बाय वन, यही है ना, तो सर AD आपका क्या दिया हुआ है रूट के, और ये क्या दिया हुआ है वन, ये सारा रेशियो में हो रहा है ना, यहां तक क्लियर है। फिर क्या बोला गया, बोला है एसी बाय बीसी बताएं, मतलब कि ये बताना है आपको ये एसी बाय बीसी, सर इसका इसका रिलेशन और इसका इसका रिलेशन आप लोगों को ज्ञात है ना, है ना, क्या रिलेशन था, स्क्वायर वाला करके रिलेशन था आप लोग का, देखिए सर एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यही निकालना है ना आप लोग का, सर ये हो जाएगा अंडर रूट के बाय वन, याद है क्लियर है, अंडर रूट के बाय वन, समझिए मेरा बात को। अच्छा एक चीज सिखाते हैं आप लोग को, ठीक है, देखिएगा सर अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट के का मतलब क्या होता है, वेरी गुड सर, के का पावर क्या होता है वन बाय टू, यही ना हुआ, के का पावर वन बाय टू, सर अगर इसको यहां देखिएगा, अगर वापस से इसके ऊपर, वापस से इसके ऊपर अगर अंडर रूट लगा दे, वापस से इसके ऊपर अगर अंडर रूट लगा दे, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा के के का पावर वन बाय टू, फिर उसका पावर वन बाय टू, ये ना मतलब हुआ, ये समझ में आ रहा है मदन, इसका मतलब आगे जाके जब लिखेंगे के के का पावर जब ब्रैकेट हटेगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा के का पावर वन बाय फोर, सही है, और k का पावर 1 बाय 4 को हम लोग वापस से क्या लिख सकते हैं, k अंडर रूट 4, इसको देखिए कहां दिक्कत हुआ हमको सो बताइए, नहीं ना, सपोज दैट कि k का पावर यहां देखिएगा, अगर ये k का पावर हम लोग ये लिख रहे हैं k का पावर 1 बाय 5, इसका ये मतलब होता है k अंडर रूट 5, ये होता है मतलब, समझ में आ रहा है ये वाला, ठीक है, तो सर सेम टू सेम यहां पीछे भी वही किए, देखिए देखिए अभी यहां करेंगे ये वाला,
सर स्क्वायर जाएगा उधर, तो उधर अंडर रूट हो जाएगा ना, और ये पहले से पावर इसका क्या है 1/2 है, ये स्क्वायर जाएगा उधर फिर वापस से पावर 1/2 हो जाएगा, होगा ना, वापस से पावर क्या हो जाएगा 1/2, तो सर 1/2 × 1/2 1/4 हो जाएगा, है ना। तो दिमाग में आप लोग का यहां पर ये आएगा, यहां पर सर एक्स बाय वाई इज इक्वल टू के का पावर के अंडर रूट क्या हो जाएगा 4, और बटा 1 का कुछ हो कर लीजिए 1, तो इसका आंसर आपका ये होगा। और इसको नीचे 1 नहीं लिखना है तो मत लिखिए, ऑप्शन में आपका ये था, ये आंसर समझ में आया, जो ये वाला बताएं अंडर रूट धर गया तो वापस अंडर रूट किए ना, ये वाला सेम टू सेम था। हाँ स्क्वायर कर दिए थे ना, समझ में आया ना, ठीक। कहाँ से बनाते हैं पीपीटी?